सेक्युलरिज्म से अधिक खतरनाक जहर दूसरा नहीं है। सेक्युलरिज्म ने भारतीय समाज का मेरुदंड झुका डाला है, लगभग तोड़ ही डाला है। यह मनुष्य को अपने पूर्व, उसके गौरव, जाति, अस्मिता, संस्कृति, बोली, बानी, भाषा, धार्मिक प्रतीकों, आस्थाओं सबके प्रति नितांत ही शंकालु बना डालता है। सेक्युलरिज्म की एक प्रतिगामी और सहज प्रवृत्ति यह है कि मनुष्य अपना ही महान साहित्य नहीं पढ़ता, अपनी ही धरोहरों पर दृष्टिपात नहीं करता, अपने शास्त्रीय संगीत को नहीं सुनता, बल्कि उसके अपमिश्रण से तैयार किसी उन्मादी, तेज तेज झटके लगने वाले कर्कश संगीत को रूहानी कहकर उसी में धंसा रहता है। उसे भारत का हिंदू समाज घोर ब्राह्मणवादी, पतनोन्मुख, विभेदकारी, आदिकाल से जात पात का पोषक और अंधविश्वासी समाज दिखाई देता है। उसके लिए हर पंडित ठग होता है। वह इतिहास के बर्बरतम आक्रमणकारी युगों, अंधतम कालखंडों की भयावह यंत्रणाओं को अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया और गालिब मीर के नाम पर भुला देता है। न केवल भुला देता है, बल्कि आक्रांताओं के साम्राज्यवादी जिहादी अभियानों को एक आम मध्यकालीन वृत्ति मानकर बराबरी पर ले आता है। वह संस्कृत जैसी प्राचीन और महान भाषा को मृत भाषा कहता है, पूजा पाठ की भाषा बोलता है। वह प्राचीन भारतीय विराट चेतना को अत्यंत शंकाग्रस्त होकर देखता है। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, गणित में भारत के कार्य को झूठ और बकवास मानता है। वह उर्दू जबान से अपने दिमाग की चाट पोंछ सफाई करवा डालता है। उसके लिए भारतीय इतिहास का बलिदान मानी नहीं रखता। उसके लिए हजारों स्त्रियों का आत्मदाह हास्य का विषय, अनावश्यक, संभवतः मनगढ़ंत इतिहास होता है। हजारों हजार मंदिरों का ध्वंस एक विस्मृत घटना होती है, संभवतः संघियों द्वारा प्रचारित असत्य भी। वह राम मंदिर निर्माण को क्षोभ से देखता है, देश के हिंदुओं को कोसता है, विकास के लिए इसे गैर जरूरी मानता है। सेक्युलरिज्म के सड़ांध भरे गंदले तालाब से बाहर निकलना परमावश्यक है, विशेषकर युवा पीढ़ी जो इस तालाब में डुबकियां लगा रही है, उसे निकालना ही होगा।